वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज का दिन कुछ खास है, जहां एक तरफ विश्वकर्मा पूजा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। अब यह एक संयोग मात्र था या योजना, ये तो किसी ज्योतिषी के पास ही जवाब हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर पटना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ कर डाला जो शायद खुद भगवान विश्वकर्मा भी देख कर चौंक जाते। हुआ कुछ यूं कि पटना के वेद स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है और दूध से अभिषेक भी किया। अब यह दृश्य देखकर भगवान विश्वकर्मा ऊपर आसमान में बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसा डिजाइन है। परंतु कार्यकर्ताओं का कहना था कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है और उन्होंने देश का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है। अब इसे कहते हैं समर्पण। हद है, देश के प्रधानमंत्री को भगवान का दर्जा देना शायद आज की राजनीति में नया ट्रेंड बन चुका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर तस्वीरें वायरल हुई, लोगों ने तंज कसने में देरी नहीं की। सोशल मीडिया पर मजाक की हवा सी चल गई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि अगर मोदी जी विश्वकर्मा है तो कृपया वो सड़कें भी ठीक करवा दें जिनका डिजाइन सिर्फ गड्ढों से भरा है। एक अन्य यूजर ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने तो दुनिया बनाई थी, लेकिन मोदी जी ने क्या बनाया, रोज नई योजनाएं और पुराने वादे। लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मजाक और मीम्स की बारिश हो रही थी। लोग इसे अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। हर प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, लेकिन उन्हें सीधे विश्वकर्मा जी से जोड़ देना ये थोड़ा ज्यादा हो गया। शायद कार्यकर्ताओं ने सोचा कि जो प्रधानमंत्री देश को डिजिटल आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बना सकता है उसे किसी अवतार से कम नहीं समझना चाहिए। आखिर हर कोई भगवान नहीं होता और पीएम मोदी तो भगवान विश्वकर्मा के आधुनिक रूप में तो बिल्कुल फिट हैं। विश्वकर्मा भगवान को देवताओं का इंजीनियर माना जाता है जिन्होंने स्वर्गलोक और अद्भुत वास्तुकला का निर्माण किया है, लेकिन पीएम मोदी वो योजनाओं का निर्माण करते हैं, वो कभी सफल होती है तो कभी गुमनाम। अब इस तुलना से लोग हंसी ले रहे हैं या गंभीरता से या तो वही जाने पर सोशल मीडिया पर जनता का कहना है कि अगर विश्वकर्मा पीएम मोदी हैं तो हमें क्यों गड्ढों वाली सड़कें मिली। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा खुद को जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ और ही कहता है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं या फिर यह सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं का अति उत्साह। एक बात तो साफ है, चाहे जो भी हो, सोशल मीडिया पर लोग इस बात का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आखिरकार हमारे देश में पूजा और राजनीति का मेल हमेशा कुछ नया और अद्भुत ही पैदा करता है, चाहे वह भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हो या फिर मीम्स की बाढ़। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अवतार पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।